भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कल जैसे कि आदेश निकाला गया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जो है चुनाव संपन्न कराया जाना है, जिसको लेकर आचार संहिता भी लग चुकी है। और 99 की न्यूज की टीम आपको आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र पर लेकर आई है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का जहां पर हम अभी पहुंचे हैं वो बुंडू प्रखंड का बारूहतु गाँव है, और यहाँ पर हम अभी पहुंचे हुए हैं। लोगों से जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। हम सीधे बात करेंगे कुछ लोगों से, जानने का प्रयास करेंगे हालांकि क्या कुछ कार्य हुई है। अभी हम आपको थोड़ी सी जानकारी हम दें यहाँ की विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जिस प्रकार से जदयू में जो अभी पूर्व के मंत्री रहे गोपाल कृष्ण पादर उर्फ राजा पीटर ने दामन थामा है, पुनः अपना घर वापसी की है, उसके बाद जो है यहाँ पर जदयू बीजेपी और आशू के बीच का जो सीट था वो जदयू को चला गया है। इसके साथ साथ बात करें कि तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा जो वर्तमान में तमाड़ के विधायक हैं वो भी अब लगे हुए हैं इसमें, और सीधे जो टक्कर जो है दो लोगों के बीच में वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें कि कुछ और भी प्रत्याशी हैं जिनका जैसे JKLM से प्रत्याशी के रूप में दमयंती मुंडा को लाया गया है, जो जयराम की पार्टी की ओर से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में इसके साथ साथ की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि CPIM के पार्टी सुरेश मुंडा को भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम कुछ लोग हैं, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है, कैसे बात करते हैं, क्या कुछ उन लोगों से सुनने को मिलता है। क्या नाम है? लक्ष्मी पात्र। लक्ष्मी पात्र, अच्छा। तो लक्ष्मी जी, आपका क्षेत्र में खास करके बारूहतु गाँव में सुविधा वगैरह मिला, पानी वानी मिला है कि नहीं आप लोगों? पानी नहीं मिला है? अच्छा, तो पानी नहीं मिला और जो सुविधा मिलना चाहिए जैसे शौचालय हो गया, उसके अलग बिजली हो गया, ये सब व्यवस्था वस्ता हुआ है कि नहीं? थोड़ा बहुत है बिजली का, थोड़ा बहुत हुआ। राशन कार्ड वगैरह? राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है ना? डीलर सही से आप लोगों को दे रहा है ना? सही से तो नहीं दे रही, महीना का तो नहीं दिया है। इस महीना का नहीं दिया है, मतलब देता है, मतलब कुछ दिन के बाद मतलब मिल जाता है ना। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, खास करके देखिए अभी आचार संहिता भी लग गई है, और साथ साथ की बात करें कि आसपास में जो अभी खास करके तमाड़ विधानसभा में जो हम लोग का बिंदू प्रखंड जो है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ पे दो लोगों के बीच में कड़ी मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा है जो वर्तमान में विधायक हैं, और दूसरा जो जेल से निकले हुए हैं राजा पीटर जी हैं। क्या मन में लग रहा है कि इस बार किनके साथ जाएंगे? अभी तो बाद में ही बात करेंगे, लेकिन सरकार की बात करें जैसे जो वर्तमान में जो सरकार है झारखंड में उनके कार्यकलाप से कितने खुश हैं आप? कैसे हैं अभी तो काफ़ी खुश हैं। तो इस सरकार को पुनः आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसा, कि बदलाव चाहते हैं हम लोग इस पर? ये तो पब्लिक का ऊपर निर्भर होगा, हम लोग अकेले कैसे बोल सकते हैं, पब्लिक किसको चाहेगा उसका ना होगा। अभी कुछ मन में डिसाइड नहीं किया है? नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मन में डिसाइड नहीं हुआ है? तो मन में डिसाइड नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम जुड़ेंगे उनसे भी बात करेंगे। देखिए बुंडू प्रखंड के बारावतु पंचायत के अभी बंजारी टाड़ के पास हम पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि आपको दिखाएं, डिस्कस कर रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे भी नज़र पड़ी तो हम आपके बीच में बात करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए, और हम भी जानने का प्रयास करेंगे, बैठेंगे लोगों के साथ में बात करेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ विचार चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर के। खास करके बात करें कि जिस प्रकार से कल आचार संहिता लग गई है, और आचार संहिता लगने के बाद जो है अब प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा करेंगे। अब जो है तमाड़ विधानसभा की जो हाल स्थिति देखने को मिल रही है, उस पर क्या कुछ आप लोग का अभी तक लग रहा है कि इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होगी या फिर जो वर्तमान में है वही रहेंगे? परिवर्तन तो होना भी चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान जो अभी विधायक विकास कुमार मुंडा जी हैं, और उसके साथ साथ में प्रत्याशी के रूप में जदयू के प्रत्याशी के रूप में राजा पीटर जी हैं जो भी जेल से आए हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि इस बार जो है चुनाव में किनकी ओर रुख करेंगे? क्या वर्तमान में जैसे सरकार अभी पॉलिसी अभी लाई है महिलाओं दीदी को जो है 2500 रुपया जो है वो देने की कैबिनेट की से पारित भी हो चुकी है, अब कैबिनेट की ओर से 10 महीना से जो है देना भी शुरू कर देगी, तो क्या लग रहा है इस बार की परिवर्तन होगा कि इस बार भी यही सरकार से अब खुश है? वो तो देख रहे हैं क्या होगा, अभी तो वो तो बोल नहीं सकते हैं। तो आप लोग विचार कर रहे हैं अभी? विचार विमर्श में है। अच्छा, आप लोग का जैसे ये बंजारी टाँड है, बंजारी टाँड में
यदि बात करें व्यवस्था को लेकर, तो क्या व्यवस्था अभी तक हुआ आप लोगों का? व्यवस्था बताइए, क्या नाम है आपका? बबलू बांस महली। आप लोग तो बांस का काम ज्यादातर करते हैं आप लोग समाज में। तो जैसे इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है, इस बार क्या सोच रहे हैं, किस तरह का इस बार पूरा प्रोपेगेंडा आप लोग सोच रहे हैं? जो भी जब आपको जो देगा उसी को ना देंगे, जो आप लोग को जितना सुविधा लगेगा वही किसी को ना देंगे हम लोग को। जब जो नए सुविधा ना करेगा तो उसको किसके देंगे हम? जो भलाई करेगा वही ना करेंगे हम लोग, नहीं भलाई करेंगे उसे काहे करेंगे हम लोग, यही बात है। तो वर्तमान में जो विधायक विकास कुमार मुंडा जी हैं, वो तारा में अभी तक कोई नहीं दी कुछ दिया है अभी तक, इतना कुछ नहीं दिया अभी तक। अच्छा, उनका उनका तरफ से कुछ आप लोगों को नहीं मिला है ना? अच्छा, तो आप लोग का जो ये गांव है, इस गांव में कोई सुविधा नहीं दिया गया? नहीं दिए है। अभी हाल ही फिलहाल में वहाँ पर एक शिलान्यास हुआ आपका जल मीनार का, मिला तो है सामने में? कहाँ मिला, मिले बगल में जल मीनार का। तो देखिए यहाँ पर हालांकि कुछ बातें जो है लोगों के बीच में आ रही है, खास करके विरोध की बात करें तो कुछ लोगों के अंदर में कुछ विरोध भी है। तो सभी का अपना अपना मन का विचार होता है, लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनिका मोहले। मनिका मोहले, मनिका भाई आप कहाँ रहते हैं? यही बाजार टाउन में। यही बाजार टाउन, बंजर टाउन। आपको बाजार लगती है यहाँ पे? हाँ, सब्जी वब्जी बाजार लगती है। कब कब लगता है बाजार? शनिवार और मंगलवार को। शनिवार और मंगलवार, बाजार में ठीक ठाक भीड़ भाड़ होता है? ऐसे ही जैसे जैसे देहात का, तो अच्छा थोड़ा मोड़ा ऐसे ही होता है। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ पर जो है 13 तारीख को चुनाव होगा, क्या मन में विचार चल रहा है, किसको वोट देंगे? वोट देंगे, लेकिन जिस मैंने हम लोग का आगे जो है उसी को देंगे। आगे कौन है? वही अभी तो जो खड़ा हो रहा है राजा पीटर। अच्छा, राजा पीटर को आप लोग मन में विचार किए हुए? अच्छा, वर्तमान में जो विधायक है विकास मुंडा, क्या उनको उनको आप लोग पसंद नहीं कर रहे क्या? पसंद तो वो है, कुछ उसमें एक और लाभ का कुछ हुआ नहीं। अच्छा, लाभ आप लोग को नहीं मिला? ना, कुछ नहीं किया। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर जैसे रोड तो दिख रहा है, रोड अच्छा खासा रोड बना हुआ है, नाली भी बना हुआ है साइड में, जल मीनार भी बन रहा है, व्यवस्था तो दे ही रहे हैं ना, और क्या व्यवस्था चाहिए आप लोगों को? और तो का जो चल रहा है तो वही पानी का नल फल ये सब नहीं हुआ है यही सब। तो देखिए यहाँ पर भांति भांति जो है लोग यहाँ पर अपना अपना विचारों को रख रहे हैं। एक बुजुर्ग दादाजी हमारे साथ में जुड़े हैं, क्या नाम दादा? गंगा लोहार। गंगा लोहार नाम इनका, गंगा लोहार है, हम इनसे बात करते हैं। गंगा लोहार जी, आपका उम्र कितना हुआ पहले ये बताइए? तो 60 के पार हो रहा है। 60 से पार हो गया है? हाँ। अच्छा, तो आपका पेंशन वेंशन मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, अभी जा रहा है तो अभी मिलेगा, अभी बंद है अभी। अच्छा, और बनवाया दिया है साहब लोगों को, अगर बना दिया नहीं डाल दिया किसे जाने का भी जाएंगे तब। अच्छा, अप्लाई किए हुए हैं? हाँ, अप्लाई किए हैं, लोग में दिए हुए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, वर्तमान जो सरकार जो काम कर रही है, वर्तमान सरकार के कार्यकलापों से आप खुश हैं, इस बार परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, देखो हमारा जो उद्घटन और घटना है ना, वही हमको चाह रहा है। अच्छा, कहे कि अभी चापाकल बिगड़ गया है, कोई पानी का ना रास्ता के किनार में है, चापाकल बिगड़ गया है, बनाने के लिए कितना दोपहर मुखिया सबको कहे, कहे कि वीडियो ऑर्डर नहीं दिया, ये नहीं दिया, कह दिया इसलिए बंद है बस। अच्छा, तो क्या करेंगे, अगर नहीं बना दीजिएगा तो आपको वोट दे के क्या फायदा है हमको? हमको चापाकल का पानी खाने का सुविधा दे दीजिएगा तब ना हम करेंगे आगे। कौन टोला में चापाकल? वो टुंगली का उधर में है, टुंगली टोला के पीछे में। हाँ, उधर पीछे में। किसके घर के सामने में है वो? दो ये तीन घर है हमारा उधर। क्या, किनका किनका घर के सामने? वो हमारा ही घर है, वो किनका का नहीं है, ऐसे तो घर है, इधर भी है उधर भी है, इसे तो रविंदर उपेंद्र मुंडा का
घर है वो तो बीच में है, उधर में है। देखिए जही साहब, जो जही साहब हैं विभाग के, जो पीएचडी विभाग के जही साहब हैं, वो हमें यदि देख रहे हैं तो ये गंगा लोहार जी हैं। इनका घर के सामने एक चपाकल है, सरकारी चपाकल। कितने महीने से बंद पड़ा हुआ है? अभी हो गया और 2-3 महीने से। देखिए 3 महीनों से चपाकल खराब है और 3 से 4 घर वहां पर आश्रित है उसी चपाकल से। देखिए अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम लगातार बारहूतो पंचायत में हैं और यहाँ पर देखिए महिलाओं से हम बात करेंगे, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बरनी देवी। हाँ, बरनी, बरनी देवी। हाँ, तो आपको जो है 1000 मिल रहा है महिला सम्मान योजना? ना ना, कोनो नहीं, नहीं नहीं मिल रहा है ना। फॉर्म भरे थे? फॉर्म हाँ, फॉर्म भरे थे, फॉर्म भर रहा हूँ। भरे हैं? हाँ, महिला योजना के। अच्छा, महिला सम्मान योजना का डाले हैं फॉर्म। तो अभी कितना मिल रहा है आप लोगों को? एक रुपया नहीं। तो कितना मिलना है, जानकारी है कितना मिल रहा है अभी? ना, 2500 रुपया अब सरकार देगी दिसंबर महीने से। दिसंबर महीने से? हाँ, देगा 2500 रुपया। अच्छा, फॉर्म भरिएगा 2500 रुपया आएगा खटाखट खटाखट। पता है 2500 रुपया आ रहा है, जल्दी से जाके अपना दिखवाइए। कहाँ डाले हैं फॉर्म को? बारहतु में। बारहतु में किनको दिए हैं फॉर्म? भीमला को। भीमला, भीमला को दिए हैं? हाँ। उनसे जाके मिलिए, बोलिए मेरा फॉर्म को जमा करवाइए। हाँ। तो फॉर्म जमा नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ। 2500 रुपया मिलना है। यहाँ पर कुछ महिलाओं दीदी हैं, बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपको महिला सम्मान मिल रहा है? नहीं, हम नहीं भर रहे हैं। हम नहीं भर रहे हैं अभी तक। अच्छा, वृद्धा पेंशन भर रहे हैं? वृद्धा पेंशन भर रहे हैं? हाँ, तो नहीं आया है। नहीं आया है? नहीं। अच्छा, सरकार जो अभी काम कर रही है मैया दीदी लोगों को, अभी सब दीदी लोगों को 2500-2500 रुपया देने जा रही है। वर्तमान में 3 किस्त जो 1000-1000 रुपया का जारी कर चुकी है। तो हम नहीं भरे हैं। तो आप, कैसा लग रहा है ये वाला? तो भरे नहीं है, लेकिन कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग का तो बोला है, उन लोग का बोला है तुम बूढ़ी हो गया, तुम तो वृद्धा पेंशन मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ऐसा बोला है? अच्छा, इस बार जो वोट होगा सर, वोट में क्या सोच रहे हैं, किनको वोट देना है इस बार? यही सरकार को वोट देना है कि सरकार परिवर्तन करना है? मतलब जो अभी दे रहा है उसी को दीजिएगा। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं? वही से देगा वोट, जो पैसा देगा वही से देगा वोट। जो पैसा देगा आप उसी को वोट दीजिएगा? हाँ। देखिए महिलाओं दीदी का उत्साह देखिए, उत्साह इसी बात को लेकर है कि अब 2500 रुपया आप इनके अकाउंट में कटाकट पहुंचने वाली है। तो महिला दीदी हैं साथ में, क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। अब भर लिए हैं फॉर्म? हाँ, भर रहे हैं। आया पैसा एक बार भी? पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया? किनको भरे थे फॉर्म, किनको दिए थे फॉर्म भर के? जगदीश, जगदीश जी से। हाँ। अच्छा, तो कब दिए, कितना महीना पहले दिए थे? लगभग 1.5 महीने तक हो गया। 1.5 महीना तक हो गया, नहीं आया। जाके पता करिए कि कहाँ पर आपका फॉर्म लटका हुआ है। अच्छा, वर्तमान में जो विधायक है हमारे विकास कुमार मुंडा जी, उनका कार्यकाल कैसा है, किस तरह से देख रहे हैं? बीते 10 वर्षों से विधायक हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिए हैं। क्या लग रहा है उनके मन में, क्या क्या आपका मन में क्या विचार है उनके लिए? इस बार चुनाव में वही रहेंगे कि परिवर्तन करेंगे आप लोग? जो पैसा देगा उसी को काबल तो वोट देंगे। मतलब सरकार के साथ हैं, मतलब आप लोग? हाँ। मतलब इस बार सरकार के साथ ही में आप लोग रहेंगे सारी महिला दीदी लोग? आप लोग जो फॉर्म जो डाले हैं, फॉर्म यदि ओके हो जाता है, हो ही जाएगा, आप लोग कहीं रुका हुआ होगा फॉर्म, जाके देख लीजिएगा, 2500 रुपया मिलेगा। तो क्या दीदी लोग को लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन ही जो है हमारे मुखिया रहेंगे? हेमंत सोरेन रहेगा कि मोदी सरकार रहेगा, कौन रहेगा तो नहीं, भी नहीं जानते हैं। अच्छा, तो अभी 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 जैसे चुनाव का अभी बिगुल बच चुका है, अब चुनाव जो है 13 नवंबर को चुनाव होना है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में, आपके यहाँ भी 13 नवंबर को चुनाव होना है। हाँ। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में आप किसे अपना यहाँ का नेता बनाएंगे? राजा पीटर को बनाएंगे, विकास मुंडा को बनाएंगे, सुरेश मुंडा को बनाएंगे, या एक महिला प्रत्याशी है दमयंती मुंडा, उसे बनाएंगे? हम लोग का इधर तो बोल रहा भी है, लड़की सब चाहे लड़का सब जो पैसा देगा उसी को देंगे बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन जी 2500 रुपया कैबिनेट से पास कर दिए, जिसको अब पैसा मिलेगा वो लोग करेंगे। गोगो दीदी वाला भी क्या बोलते हैं, फॉर्म तो भरे हैं। अच्छा। हाँ। गोगो दीदी तो सरकार गठन होगा उसके बाद आपको मिलेगा ना, ये तो सरकार पहले ही आपको दे रही है 2500। अभी तो 1000 करके मिल भी गया है बहुत दीदी लोगों को। हाँ, 2-3 महीने तो मिला है। हाँ। तो जो सरकार दे रही है आप लोग, मतलब उसी के साथ आप लोग जाएंगे इसका मतलब? हाँ। देखिए यहाँ पर महिलाएं दीदी लोग हैं और यहाँ पर स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि महिलाओं का यहाँ पर, हाँ, क्या बोल रहे हैं?
यहाँ पानी भी देंगे, घर घर बोला पानी भी नहीं देता है। पानी कौन ने दिया है? कौन वो तो देखो हाँ, परमेश्वरी सैंडिल वहाँ दिया है, वहाँ तो टंकी दिया है, घर घर पहुँचा देंगे बोल के टंकी दिया है, बंद किया है। टंकी देके मतलब परमेश्वरी सैंडिल जी जो जिला परिषद है, मतलब घर पहुँचा देंगे, पानी बोल रहा है, पानी भी नहीं दिया है, मतलब काम कम्प्लीट नहीं हुआ तो होगा नहीं। देखिए तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू प्रखंड के हम बारूहतु पंचायत में अभी मौजूद हैं और यहां से हम लगातार लोगों से हम खबरें ले रहे थे, चुनावी माहौल को लेकर क्या माहौल है इसकी जानकारी ले रहे थे। आपने सभी चीजों को सुना और जाना, खास करके महिलाओं दीदी की बात करें तो महिलाओं दीदी का खास करके कहना है कि सरकार जो भी सरकार हो, जो उन्हें पैसा देगी उनके साथ वो जाना पसंद करेंगे और उसी सरकार को रखना पसंद करेंगे। हालांकि इस बीच में ग्रामीणों ने अपनी अपनी कुछ कुछ समस्याओं को भी रखा है, खास करके नल जल योजना को लेकर के बात करें या कुछ चपाकल के बिगड़ने की बात करें, वो सारी समस्याओं को भी उन्होंने सभी को रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बारहतु पंचायत में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 13 नवंबर को अब ये लोग किसे वोट देंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से 23 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है उससे इस बात की खुलासा हो जाएगी कि ये सभी किसे वोट देकर पहुंचे थे और रिजल्ट में कौन जो है प्रत्याशी जो है जीत हासिल करके सिर मोर ताज जो है ग्रहण करेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हम आगे भी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के और अन्य विधानसभा क्षेत्र के पास पहुँचेंगे और आपके बीच लोगों की बातों को सामने रखने का काम करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, हमारे सहयोगी आकाश के साथ मैं अमित दत्ता, 99 न्यूज़ बुंडू।